फिर टूटा शाहरुख खान का दिल, आखिर क्यों रोने लगी मां गौरी खान। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत अर्जी एक बार फिर से खारिज हो गई है। मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमीचा को बिल देने से इनकार कर दिया है। 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन 8 अक्टूबर से मुंबई की ओरथर रोड जेल में बंद है। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है। आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है। आर्यन के केस में आज केवल फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा ही सामने रखा गया, डिटेल ऑर्डर आना अब भी बाकी है। हालांकि 14 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान जजमेंट रिजर्व करते हुए जस्टिस पाटिल ने कहा था कि 20 अक्टूबर को व्यस्त हैं, लेकिन वे कोशिश करेंगे कि आर्यन की जमानत पर सुनवाई कर पाएं। एनडीपीएस कोर्ट का फैसला आने के बाद आर्यन समेत अरबाज और मुनमुन के वकील जमानत के लिए अब हाई कोर्ट में अपील करने वाले हैं। एनसीबी की ओर से इस मामले को एएसडी अनिल सिंह देख रहे हैं और अदालत में इनकी सहायता एडवोकेट श्रीराम सिरसाथ कर रहे हैं। सिरसाथ बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में भी एएसडी की मदद कर रहे थे। एसएसपी अद्वैत सेठना ने भी एनसीबी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आरोपी खासतौर पर आर्यन खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मानसिंदे और अमित देसाई पैरवी कर रहे हैं। दोनों इस तरह के केस में मुंबई के दिग्गज वकील माने जाते हैं। मानसिंदे ने सुशांत ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती तो देसाई ने हिट एंड रन केस में सलमान को अदालत से रिहाई दिलवाई थी। यही वजह है कि 14 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच में जबरदस्त घमासान मचा था। आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए अनिल सिंह ने कहा था कि रिकॉर्ड और सबूतों से पता चलता है कि आर्यन पिछले कुछ वर्षों से ड्रग्स का नियमित सेवन कर रहे थे। एएसजी ने कहा है कि आर्यन काफी प्रभावशाली है और जमानत मिलने पर वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। आपको बता दें एनसीबी के हाथों कुछ चैट्स भी लगे हैं जो आर्यन की मुश्किल को और बढ़ा रहे हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आपको क्या राय है और आर्यन खान के मामले में एक बार फिर से शाहरुख खान और मां गौरी खान का दिल टूटा है, इस पर भी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस मुद्दे से जुड़ी और भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले।